नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल YouTube स्टडी में। सब कुछ सीखो हिंदी में। आज का टॉपिक है कंप्यूटर ज्ञान। सूरज सर के साथ आप सीखिए कंप्यूटर ज्ञान के बारे में कुछ प्रश्न। आज हम जानेंगे कंप्यूटर के कुछ प्रश्न जो हमारे किसी भी एग्ज़ाम में हमारी सहायता करेंगे। कृपया अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। रैम किस प्रकार की मेमोरी या स्मृति है? ऑप्शन ए आंतरिक, ऑप्शन बी बाह्य, ऑप्शन सी मुख्य, ऑप्शन डी सहायक, ऑप्शन ई आरक्षित स्मृति। इसमें जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन है सी। हम किसका कुशलता पूर्वक उपयोग करके टेक्स्ट का प्रवेश और एडिट कर सकते हैं? ऑप्शन ए स्प्रेडशीट, ऑप्शन बी टाइपराइटर, ऑप्शन सी प्रिंटिंग मशीन, ऑप्शन डी डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसमें जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन है डी। अपने कंप्यूटर पर संगीत सुनने के लिए आपको निम्न में से किसकी आवश्यकता होगी? ऑप्शन ए वीडियो कार्ड, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी जॉयस्टिक, ऑप्शन डी साउंड कार्ड। इसमें जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन है डी। निम्न में से पर्सनल कंप्यूटर कौन सा माना जा सकता है? ऑप्शन ए डंब टर्मिनल, ऑप्शन बी स्मार्ट टर्मिनल, ऑप्शन सी इंटेलिजेंट टर्मिनल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसमें जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन है सी। MDR मेमोरी डेटा रजिस्टर रखती है? ऑप्शन ए सेगमेंट नंबर, ऑप्शन बी मेमोरी लोकेशन का पता, ऑप्शन सी नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर, ऑप्शन डी नंबर ऑफ कंट्रोलर, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसमें जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन है सी। ALU का पूरा रूप क्या होता है? ऑप्शन ए ऑक्सी लॉजिक यूनिट, ऑप्शन बी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन सी अर्थमेटिक लिस्ट यूनिट, ऑप्शन डी अलोवेड लॉजिक यूनिट। इसमें जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन है बी। कॉनराड ह्यूज का योगदान लंबे समय से अनदेखा किया गया था क्योंकि? ऑप्शन ए उन्होंने कंप्यूटर को गुप्त रूप से बनाया, ऑप्शन बी उनके कंप्यूटर बहुत जटिल थे और लोगों ने उसके शक्ति को पहचानने में समय लगाया, ऑप्शन सी राजनीतिक कारणों से वह जर्मन था, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसमें जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन है सी। इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं माना जाता है? ऑप्शन ए कंपाइलर, ऑप्शन बी असेंबलर, ऑप्शन सी इंटरप्रेटर, ऑप्शन डी कोबोल। इसमें जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन है डी। सैकड़ों हजारों प्रोसेसर से युक्त उच्च क्षमता वाले कंप्यूटर जो प्रति सेकेंड 1 ट्रिलियन से अधिक गणना कर सकते हैं उन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए वर्क स्टेशंस, ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी डेस्कटॉप कंप्यूटर, ऑप्शन डी लैपटॉप कंप्यूटर। इसमें जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन है बी। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी का ट्रेडमार्क है? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी बेल लैबोरेटरीज, ऑप्शन सी एप्पल, या ऑप्शन डी मोटोरोला। इसमें जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन है बी। निम्न में से कौन सा एक
कंप्यूटर वायरस नहीं है। ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन बी अन्ना कोर्निकोवो, ऑप्शन सी ब्रेन, ऑप्शन डी डॉन। इसमें जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन है डी। कौन सा मोबाइल फोन टच पैनल सेंसिंग विधियों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए उंगली का स्पर्श, ऑप्शन बी आवाज़ की पहचान, ऑप्शन सी दस्ताने का स्पर्श, या ऑप्शन डी प्रकाश संचरण। इसमें जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन है बी। कंप्यूटर किसके बिना काम नहीं कर सकता? ऑप्शन ए स्कैनर, ऑप्शन बी इंटरनेट, ऑप्शन सी माउस, या ऑप्शन डी सीपीयू। इसमें जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन है डी। 1962 में पहले कंप्यूटर गेम स्पेस वार को किसने प्रोग्राम किया था? ऑप्शन ए स्टीव रसेल, ऑप्शन बी कोनार्ड ज्यूज, ऑप्शन सी एलन एमटेज, ऑप्शन डी टिक बर्नर्स ली। इसमें जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन है ए। निम्नलिखित में से कौन सा स्पैम से संबंधित है? ऑप्शन ए ईमेल, ऑप्शन बी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी गेम्स, ऑप्शन डी मॉडेम। इसमें जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन है ए। सुपर कंप्यूटर निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए ये मेन फ्रेम कंप्यूटरों से आकार और क्षमता में छोटे होते हैं, ऑप्शन बी ये अधिकांश घरों में पाए जाते हैं, ऑप्शन सी इनमें हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, ऑप्शन डी लैपटॉप के ही आकार के होते हैं। इसमें जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन है सी। इनमें से कौन कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं? ऑप्शन ए स्लॉट्स, ऑप्शन बी सॉकेट्स, ऑप्शन सी बाइट्स, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन है ए। कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त इंस्ट्रक्शन निर्देशों या प्रोग्रामों को कहा जाता है? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी ह्यूमनवेयर, ऑप्शन डी प्रोग्रामर, या ऑप्शन ई एनालिस्ट। इसमें जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन है ए। निम्न में से कौन सी मेमोरी वैल्यू 16 निबल्स के बराबर है? ऑप्शन ए 1 बिट, ऑप्शन बी 4 बिट, ऑप्शन सी 4 बाइट्स, ऑप्शन डी 8 बाइट्स, ऑप्शन ई 16 बाइट्स। इसमें जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन है डी। एक प्रोग्राम में त्रुटियों एरर्स को सही करने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कंपाइलिंग, ऑप्शन बी डिबगिंग, ऑप्शन सी ग्राइडिंग, ऑप्शन डी इंटरप्रेटिंग, और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसमें जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन है बी। इनपुट और आउटपुट प्रोग्राम के बीच का समय कहा जाता है? ऑप्शन ए बदलाव का समय, ऑप्शन बी प्रतीक्षा का समय, ऑप्शन सी निष्पादन का समय, या ऑप्शन डी विलंब। इसमें जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन है ए। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? ऑप्शन ए ब्लेज पास्कल, ऑप्शन बी हार्वर्ड आइकन, ऑप्शन सी जॉन मॉचले, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
इसमें जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन है ए,